तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉबर्ट एंड द टॉय मेकर नाम की एक हॉरर सुपरनेचुरल मूवी को। इस मूवी के अंदर आपको एक बहुत ही खतरनाक स्पेल वाली किताब मिलेगी, साथ ही साथ नाजी आर्मी के अंदर चल रहे भयानक एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को कुछ सोल्जर से बचकर भागता हुआ देख पाते हैं। वीरान जंगल था जहां पर उस इंसान को एक घर दिखाई देता है, तो वो उस घर में जाकर मदद मांगने लगता है। और ये सारी की सारी कहानी घट रही है 1941 में। अब जब उस घर का मालिक ये देखता है कि उस आदमी के पीछे काफी सारे लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो उसकी मदद करते हुए उसे अपने घर के बेसमेंट के अंदर जाने के लिए बोल देता है। पर ये सब घर के मालिक की जो बीवी होती है उसने भी देख लिया था। तब वो अपने हस्बैंड से इसके बारे में पूछती है, जिस पर वो अपनी वाइफ को अंदर जाने के लिए कहता है और खुद उन सोल्जर्स के आने पर उनसे बात करने लगता है जो कि उससे भागते हुए आदमी के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर घर का मालिक उनसे झूठ बोलने लगता है, जिसके चलते ये सोल्जर्स इस जगह की तलाशी लेने के लिए बोलते हैं। अब तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इस घर के मालिक का नाम क्रिस्टोफर होता है, जिसने की बेंजामिन नाम के व्यक्ति की जान बचाई थी। तो क्रिस्टोफर अब बेंजामिन को बाहर निकालता है, और अब इन दोनों की बातों से हमको ये पता चलता है कि असल में बेंजामिन एक साइंटिस्ट है नाजी आर्मी के लिए, जो कि फ्यूचर के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था। और तब उसे अचानक से ही देश के कुछ अजीब और खतरनाक हथियारों के बारे में पता चला, जिनको वो सबके सामने लेकर आना चाहता था, और इसलिए वो सोल्जर्स उसके पीछे पड़े हुए थे, यानी कि ये नाजी सोल्जर्स थे। तब क्रिस्टोफर बेंजामिन के हाथों में एक किताब को नोटिस करता है, जिसको बेंजामिन ने अपने सीने से लगाकर रखा हुआ था। लेकिन उससे उस किताब के बारे में पूछने पर वो बात को पलट देता है और क्रिस्टोफर से कुछ दिन यहीं पर रहने की परमिशन मांगता है, जिस पर ऑब्वियसली वो मान जाता है क्योंकि वो दिल का काफी अच्छा था। खैर, अब इसके बाद अगले दिन हम क्रिस्टोफर को उसकी बीवी ब्रिजिट से बात करते हुए देख पाते हैं, जहां पर हमको ये पता चलता है कि ये दोनों ही काफी अच्छे कपल हैं। और तभी ब्रिजिट ये नोटिस करती है कि वो सोल्जर्स वापस आ रहे हैं जो कि पहले वहां पर आए थे, इसलिए क्रिस्टोफर ब्रिजिट से बेंजामिन को छुपाने के लिए कहता है और खुद सोल्जर से बातें करने के लिए फिर से बाहर रुक जाता है। अब तभी हम ब्रिजिट को देख पाते हैं जो कि बेंजामिन को उसकी बेटी एस्टर के रूम में लेकर चली जाती है। खैर, तभी बाहर हम कर्नल को देख पाते हैं जो कि क्रिस्टोफर से बातें कर रहा था, और अब वो वापस से बेंजामिन के बारे में पूछने लगता है। और हम ये जान पाते हैं कि असल में कर्नल वापस से क्रिस्टोफर के घर की तलाशी लेना चाहता है, और इसलिए वो क्रिस्टोफर के साथ घर के अंदर जाने लगता है। वो बताता है कि वो असल में एक चलता फिरता ह्यूमन लाई डिटेक्टर है और वो किसी भी झूठ को बहुत ही जल्दी भांप लेता है। अब ये सुनकर क्रिस्टोफर काफी डर गया था, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी जाहिर नहीं करता, जिस पर कर्नल वहाँ अपने साथियों के साथ एस्टर से मिलने की बात करने लगता है। ऑब्वियस ही बात है कि बच्ची को तोड़ना उनके लिए आसान रहता, ताकि वो उससे पूछताछ कर पाए। अब जब वो एस्टर के रूम में जाकर उससे बात करता है तो पहले तो वो उसको कुछ नहीं बताती, लेकिन वो भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए तब कर्नल उसके साथ पोकर खेलने लगता है और बातें करते हुए उससे ये बोलता है कि असल में पोकर के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग बेवकूफियां कर देते हैं। उन्हें पता होते हुए भी कि उनके पत्ते बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो फिर भी पत्ते पैक नहीं करते, जिससे कि उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इनडायरेक्टली वो उनको सब कुछ बताने के लिए कह रहा था, उनको डरा रहा था। अब ये सुनने के बाद में एस्टर, क्रिस्टोफर और ब्रिजिट काफी ज्यादा घबरा गए थे। खैर, तभी हम बेंजामिन को देख पाते हैं जो कि ऊपर छुपा हुआ था, और वो एक ही पोजीशन में काफी देर से था, जिस वजह से उसके हाथ पैरों में काफी दर्द होने लगता है, जिस वजह से उसके पैरों से एक शोपीस टकरा कर नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पर बेंजामिन ने उस शोपीस को तो पकड़ लिया था, लेकिन कर्नल ने भाप लिया था कि ऊपर कोई ना कोई है, और इसलिए वो ऊपर की तरफ शूट कर देता है, जिससे कि वो गोली जाकर सीधा बेंजामिन को लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब क्योंकि इन लोगों का झूठ तो पकड़ा गया था, तो कर्नल गुस्से में आकर क्रिस्टोफर और ब्रिजिट को भी जान से मार डालता है। वो बहुत ही ज्यादा बेरहम था, और तभी वो एस्टर को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन वो वक्त रहते वहां से भाग जाती है, लेकिन फिर भी कर्नल ने उसको शूट कर दिया था, उसको गोली लग गई थी। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक टॉय शॉप पर, जिसके मालिक का नाम एमस होता है और वो अपनी शॉप बंद कर चुका था। तभी उसकी शॉप पर कोई दस्तक देता है, और जब एमस दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई और नहीं बल्कि एस्टर थी, जो कि घायल हालत में थी, जिसके हाथों में वही बुक थी, वही डायरी थी जो कि बेंजामिन उनके घर में लेकर आया था। शायद से बेंजामिन ने वो उसको दे दी होगी, उसको बताया भी होगा कि अगर वो पकड़ा जाए या फिर मर जाए तो उसे क्या करना है। अब एस्टर एमस को उस डायरी के बारे में बताती है कि ये डायरी जर्मन्स के हाथों में नहीं लगनी चाहिए, और इस पर एमस भी मान जाता है। और अब किताब एमस के हाथों में थमाते ही वो उसके सामने अपना दम तोड़ देती है, जिसको देखकर उसे काफी बुरा लगता है। अब एमस को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, कि तभी वहां पर सोल्जर्स ये अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि अगर किसी
ने भी एस्टर नाम की लड़की की मदद करने की कोशिश करी तो उसके ऊपर रहम नहीं दिखाया जाएगा और उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। जिसको सुनने के बाद में एमस और ज्यादा डर जाता है और अब इसी काली रात के चलते एस्टर की बॉडी को वो जमीन में गाड़ देता है और वापस से अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एमस जब अपनी शॉप पर होता है तो वहाँ पर मौजूद डॉल से वो बात करने लगता है क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों जैसा मानता था। लेकिन वॉर की वजह से कोई भी उसकी डॉल्स नहीं खरीद रहा था, यानी कि उसका धंधा बिल्कुल कम चल रहा था। अब इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एबीगेल होता है और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में एबीगेल यहाँ पर काम करती थी और अभी के टाइम पर एमस का काम जरा सा भी अच्छा नहीं चल रहा था और इसलिए उसने काफी टाइम से एबीगेल की सैलरी तक नहीं दी थी। तभी एबीगेल यहाँ पर ये कहती है कि वो जॉब नहीं करेगी, जिसके चलते एमस उससे कुछ दिनों का वक्त और मांगता है और उसको समझाने की कोशिश करने लगता है, जिसके चलते उसकी हालत पर तरस खाकर एबीगेल मान जाती है। और अब रात में हम ये देखते हैं कि जब एमस अपने काम में लगा हुआ था तभी यहाँ पर एबीगेल आती है जो कि अपने घर जा रही थी। और अब उसके जाने के बाद एमस यहाँ पर उस डायरी को देखने लगता है जो कि एस्टर ने उसको दी थी, जिसके अंदर काफी सारे स्पेल्स लिखे हुए थे। वहीं हम कर्नल को भी देख पाते हैं जिसके पास उसके दो सोल्जर्स आते हैं जो कि उसे ये बताते हैं कि अभी तक भी एस्टर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। जिसको सुनते ही कर्नल का मूड खराब हो जाता है और कर्नल उन्हें सभी गांव वालों से सख्ती से पेश आने के लिए कहता है और उन्हें वहां से भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ एमस को दिखाया जाता है जिसको डायरी के अंदर एक स्पेल मिलता है जिससे कि वो बेजान चीजों को जिंदा कर सकता था, इसलिए वो उस स्पेल का इस्तेमाल करके रॉबर्ट नाम की एक डॉल को जिंदा करने की कोशिश करता है। अब स्पेल पढ़ने के कुछ समय तक कुछ भी नहीं होता, रॉबर्ट नहीं जिंदा होता, जिसके चलते एमस को ये लगता है कि शायद ये किताब किसी बच्चे की थी। पर तभी रॉबर्ट जिंदा हो जाता है जिसको देखकर एमस बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वो इन सब के बारे में अगले दिन एबीगेल को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ये लग रहा था कि शायद से एमस सटिया गया है, इसलिए पहले वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती और यहाँ से जाकर वो अपने काम में लग जाती है। खैर फिर से हम कर्नल को देखते हैं जो कि अपने साथियों से फिर से बात करता है तो वापस से उसके हाथ सिर्फ नाकामयाबी लगती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक अलग तरीका निकालेगा ताकि लोग अपना मुंह खोलें। जिसके बाद वो अपने साथियों से गांव में जाकर ये ऐलान करने के लिए कहता है कि जो भी एस्टर के बारे में उनको बताएगा उसे $20,000 का इनाम मिलेगा, जो कि उस वक्त एक बहुत ही बड़ी धनराशि थी। जिसको सुनने के बाद में उसके सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं और अब हम फिर से एबीगेल को देख पाते हैं जो कि शॉप पर आराम से काम कर रही थी। लेकिन तभी रॉबर्ट अपनी अलमारी से नीचे उतर जाता है और एक पेंसिल लेकर एबीगेल के ऊपर हमला कर देता है। वो इससे बहुत जोर से चिल्लाती है और एमस भागते हुए वहां पर आकर एबीगेल की जान बचाता है। और वहां हम ये भी देख पाते हैं कि रॉबर्ट शांति से किसी बच्चे की तरह ही एमस की बात सुन रहा था, जैसे कि वो उसका पिता हो। और अब जाकर एबीगेल को एमस की बातों पर यकीन आ गया था और ये दोनों ही इसके बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर एबीगेल को एमस की बातों से पता चलता है कि असल में एस्टर नाम की एक लड़की कुछ समय पहले उसकी शॉप पर आई थी जिसके पीछे नाजी सोल्जर्स पड़े हुए थे और तब उस लड़की ने एमस को वो किताब दी थी और वो वहाँ से भाग गई। एमस ने अभी उसको ये नहीं बताया था कि उसने एस्टर की मौत के बाद उसकी बॉडी को कहीं पर बैरी कर दिया था। अब सारी बातें एबीगेल की समझ में आ तो गई थी, पर अभी भी उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर रॉबर्ट को एमस ने ही जिंदा करा है तो उसने एबीगेल के ऊपर हमला क्यों करा, जिस पर एमस का ये मानना था कि वो जिस इमोशन को मन में लेकर डॉल्स को बनाता है वही इमोशंस उस डॉल के अंदर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस बात का सबूत देने के लिए एबीगेल को वो ये बताता है कि असल में उसने रॉबर्ट को तब बनाया था जब एक 5 साल के बच्चे की बॉडी एक पार्क में उसको मिली थी और उसके ही फेस की तरह एमस ने रॉबर्ट को बनाने की कोशिश करी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर एमस के मन में एबीगेल के लिए कुछ न कुछ चल रहा था क्योंकि उसने जॉब छोड़ने की बात करी थी, जिसके चलते शायद से यहाँ पर रॉबर्ट ने उसके ऊपर हमला किया। अब ये सब सुनने के बाद में एबीगेल को भी कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं और उसको ये लग रहा था कि असल में रॉबर्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही साथ जो भी एबीगेल के साथ हुआ था उससे वो काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अभी शॉप पर काम नहीं करेगी। एमस उसे बहुत बार समझाता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानती, जिससे कि एमस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एबीगेल को अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन क्योंकि अभी के टाइम पर एमस के हाथ में वो डायरी थी इसलिए वो एबीगेल के जाने से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और डिसाइड करता है कि वो अपने पास मौजूद सभी डॉल्स को जिंदा करेगा और इसलिए अब वो वहाँ पर मौजूद ऑटो और इजाबेल नाम की डॉल्स को और जिंदा कर देता है। मेरे ख्याल से ये तीनों उसकी काफी चहेती डॉल्स थीं। खैर दूसरी तरफ हम कर्नल को देखते हैं जिसके पास मेजर पहुंचकर ये बताता है कि उनके हाथ एक लड़की लगी है जो कि प्राइज मनी के बदले में उस किताब के बारे में बताने को तैयार है। जिसको सुनने के बाद में कर्नल तुरंत ही उस लड़की को वहां पर बुलाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एबीगेल थी।
अब एबिगेल वहां पर एस्टर, रॉबर्ट, एमस और किताब के बारे में सब बता देती है। वैसे भी यहां पर एबिगेल को खाली पैसे चाहिए थे। वो समझ गई थी कि उस दुकान पर उसका कुछ नहीं होगा, और जब उसके हाथ में पैसा कमाने वाली कोई इन्फॉर्मेशन लगी तो उसने तुरंत ही एमस का साथ छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है। तो इसके बाद होता यह है कि कर्नल कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही एबिगेल को प्राइस मनी नहीं देता और उसको स्टैब करके जान से मार डालता है, और तुरंत ही अपने सोल्जर से ये कहता है कि वो एमस और उस किताब को लेकर आए। और आगे हम एमस को देख पाते हैं जो कि अपने घर में आराम से सो रहा था कि तभी वहां पर उसकी नींद कुछ आवाज से खुल जाती है, और इसलिए वो चेक करने जाता है कि आखिरकार उसके घर में कौन आ गया। पर तभी उसके ऊपर कर्नल के साथ ही हमला कर देते हैं, जिस वजह से एमस बेहोश हो जाता है। और अब मेजर अपने साथ आए सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो इस जगह को आग लगा दें, और अभी के टाइम पर वो खुद एमस को लेकर हेडक्वार्टर में जा रहा है, जिसको सुनने के बाद सोल्जर्स मान जाते हैं। और अब यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो फ्यूल छिड़कने लगता है ताकि वहां पर आग लगाई जा सके। लेकिन तभी हम रॉबर्ट डॉल को देख पाते हैं जो कि उसी सिपाही को डंडा मारकर बेहोश कर देता है, और अपने बाकी दो साथियों डॉल्स के साथ एमस को बचाने के लिए कर्नल के हेडक्वार्टर पर जाने लगता है। वहीं हम कर्नल को देखते हैं जिसने एमस को एक चेयर से बांधा हुआ था। तब वहां पर वो आकर एमस से पहले आराम से किताब के बारे में और साथ ही साथ एस्टर के बारे में पूछता है, और एमस के सही जवाब से ही उसके जिंदा रहने या फिर मरने का फैसला होने वाला था। पर एमस वहां पर इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता था कि कर्नल यहां पर उसको मारने के लिए ही लाया है, इसलिए शुरू में वो कुछ भी नहीं बताता और बस मार खाता रहता है। खैर, वहीं हम मेजर को देख पाते हैं जो कि कर्नल की सीट पर बैठकर इन ख्यालों में खोया हुआ था कि अब कर्नल के प्रमोशन के बाद ये कुर्सी उसकी होने वाली है। खैर, तभी वहां पर एक सोल्जर आता है जिसको ये लग रहा था कि शायद इनके हेडक्वार्टर के अंदर कोई घुस गया है, इसलिए अब मेजर सब जगह सही से चेक करने के लिए बोलता है और वापस से चेयर पर आकर बैठ जाता है। खैर, दूसरी तरफ कर्नल एमस को मार मार कर थक गया था, लेकिन एमस ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन जब कर्नल एमस का पैर एक हथौड़े से तोड़ने वाला होता है तो एमस डर कर उसको ये बताता है कि एस्टर उसके पास आई थी और उसने उसको एक किताब दी थी, जिसको सुनने के बाद में कर्नल रुक जाता है और एमस से और चीजें पूछने लगता है। और तब जाकर कर्नल उसको बताता है कि इस किताब के अंदर कोई वेपन्स नहीं है, बल्कि ये किताब तो यूसुफ नाम के एक आदमी ने अलग अलग धर्मों के ग्रंथों को पढ़ने के बाद कई हजार सालों पहले लिखी थी, जिसके अंदर उसने अमर होने का राज लिखा हुआ है। साथ ही साथ और भी ढेर सारी चीजें हैं जिसकी मदद से चीजों को भी जिंदा करा जा सकता है, यानी कि बेजान चीजों को। और ये चीज तो एमस ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन अमर होने वाली बात तो उसको भी नहीं पता थी। ऑब्वियस ही बात है कि इतने सारे स्पेल्स हैं तो धीरे धीरे करके ही इंसान रीड कर सकता था, लेकिन यहाँ पर एमस के पास इतना टाइम ही नहीं था। और यहाँ पर ये भी चीज जस्टिफाई हो जाती है कि क्यों वो बेंजामिन के पीछे पड़े हुए थे, और यहाँ पर ये किताब कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी इन नाजी सोल्जर्स के लिए, स्पेशली कर्नल के लिए। खैर, ये सब सुनने के बाद में एमस घबराने लगता है, लेकिन अभी ये कर्नल को रॉबर्ट और बाकी सब के बारे में नहीं बताता कि उसने ऑलरेडी स्पेल्स का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन कर्नल को उस बारे में पहले से पता था, इसलिए वो एमस को वापस से टॉर्चर करने लगता है। खैर, आगे हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि बेसमेंट के अंदर घुसपैठियों को ढूंढने के लिए गया था, जहां जाने पर उसको हर तरफ से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, और अचानक से ही इजाबेल उसके सामने आकर उसका गला काट कर उसे जान से मार डालती है। खैर, वहीं हम मेजर को देखते हैं जिसके सामने ऑटो आ गया था, जिस पर मेजर काफी फायर करता है लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती, और अब वो मेजर को भी जान से मार डालता है, जिसके बाद रॉबर्ट, इजाबेल और ऑटो तीनों ही इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो अपने पिता यानी कि एमस को बचा पाए। पर अभी के वक्त पर कर्नल अपनी गन को निकाल लेता है ताकि वो एमस को जान से मार दे, पर सही वक्त रहते वहां रॉबर्ट आ जाता है जो कि कर्नल की टांगों के बीच में स्टैब कर देता है, जिसके बाद ऑटो और इजाबेल कर्नल को लगातार काफी बार स्टैब करने लगते हैं। और सेम चीज इन लोगों ने एबिगेल के साथ में करी थी और इनके साथ भी सेम चीज हुई, यानी कि जैसे को तैसा। अब कर्नल उन लोगों को देखकर समझ गया था कि आज वो मारा जाएगा, इसलिए अब वो रॉबर्ट से उसको मारने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तब रॉबर्ट भी कर्नल की ही गन उठाकर उसे जान से मार डालता है। अब एमस ये सब देखकर काफी खुश होता है कि उसके बच्चे उसकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और कुछ ही समय में वो भी मरने वाला था। पर मरने से पहले वो रॉबर्ट, ऑटो और इजाबेल तीनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहता है और फिर अपना दम तोड़ देता है। अब ये सब देखने के बाद एमस की तीनों डॉल्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, और तभी इजाबेल के दिमाग में कुछ आता है और वो उस किताब की मदद से स्पेल्स को पढ़कर एमस को जिंदा कर देते हैं। तब एमस खड़ा हो जाता है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देने लगता है। खैर, अब इस मूवी के अंतिम सीन में हम एमस को रॉबर्ट, ऑटो और इजाबेल को एक सूटकेस में बैठाकर रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ देख पाते हैं, और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट मुझे यहाँ पर ये लगता है कि शायद से एमस की बॉडी के अंदर किसी और की नहीं बल्कि कर्नल की आत्मा आ गई है।
तभी तो वो इतने क्रीपी तरीके से हंसा था। या फिर ये हो सकता है कि एमस मरने के बाद में लौट तो आया है, लेकिन उसके अंदर कोई ईविल स्पिरिट थी जिसके चलते अब वो दुनिया को तबाह करने वाला था। ऑब्वियस सी बात है, उसके पास इतनी खतरनाक 3 डॉल्स हैं, साथ ही साथ उसके पास वो स्पेल्स वाली किताब भी है जिसके चलते वो कुछ भी कर सकता है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द रॉबर्ट एंड द टॉय मेकर फिल्म की कहानी। काफी अंडररेटेड फिल्म है, मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली 1941 के हिसाब से, यानी कि मूवी 1941 में सेट करी गई है तो उसको काफी अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पर इनडायरेक्टली ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि उस वक्त में जो नाजीज थे वो कैसे कैसे वियर्ड वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे लोगों के ऊपर, ढेर सारे बच्चों के ऊपर, अनबॉर्न बेबीज के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इसको जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, या फिर आपको ये MX प्लेयर के ऊपर भी फ्री में मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पर रॉबर्ट डॉल के ऊपर और भी ढेर सारी मूवीज बनी हुई हैं, जैसे कि रिवेंज ऑफ द रॉबर्ट डॉल, रॉबर्ट द कर्स ऑफ द रॉबर्ट डॉल। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे।